नमस्कार, मोबाइल न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवेंद्र। पेश है 10 शहरों की 10 बड़ी खबर। दिल्ली प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष व सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि मिशन अनिवार्य के तहत बहन बेटियों के बीच सैनिटरी नैपकिन बांटी जा रही है, जिसका लाभ लेने के लिए बेझिझक महिलाओं को आगे आने चाहिए। तो हमने मिशन अनिवार्य, इसके तहत हम लोगों ने दिल्ली के 6 लाख जरूरतमंद बेटी बहन माँ, उनको हमने सैनिटरी नैपकिन देने का बेड़ा उठाया और वो इतना सक्सेसफुल हुआ। हमारी पूरी टीम ने उसको अच्छे से अंजाम दिया कि अब हमने उसको मिशन अनिवार्य के तहत सैनिटरी नैपकिन, क्योंकि ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है और इसके लिए किसी को संकोच नहीं करना चाहिए, वरना गलत कपड़े के यूज से, बिना जागरण के बहुत सारे रोग हमारी बहन बेटियों को हो जाते हैं महीने के दौरान। तो मिशन अनिवार्य के तहत तमाम लोग हमसे जुड़ रहे हैं। आज कीरत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये दिल्ली के तिमारपुर से हैं। और जतिन जी, आप भी वहाँ आ जाइए, जतिन कपूर जी। और आज ये 15,000 पीस आज हम कीरत के मार्फत और जतिन कपूर के मार्फत इनको दे रहे हैं, ये जरूरतमंद को देंगे। वैसे तो बहुत सारी बातें होती रहेंगी, कभी किसी की बुराई, कभी किसी की बुराई, इस पे पार्टी के आधार पे अटैक, उसके ऊपर राजनीतिक अटैक, वो सब तो चलते रहेंगे। लेकिन इस लॉकडाउन में बहन बेटी माँ को ज्यादा से ज्यादा उन तक हमें सैनिटरी नैपकिन पहुंचानी है, जिससे उनकी रोगों से दूर हो सके। जो हमारे पूरे घर का देखभाल करती है उसके सुरक्षा का हम ख्याल कर सके। दिल्ली विधानसभा प्रतिपक्ष नेता रामदेव सिंह भिदुरी ने कहा है कि केजरीवाल सरकार केवल विज्ञापन दे रही है और पूरी तरह से केजरीवाल सरकार अभी फेल हो गई है और इसलिए राजघाट पर हम लोगों ने धरना दिया। दिल्ली में कोरोना के केसेज निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार इस महामारी को रोकने में पूरी तरह से विफल रही है। अरविंद केजरीवाल पहले ये कहते थे कि इस कोरोना महामारी को रोकने के लिए हम साउथ कोरिया की तर्ज पर दिल्ली के अंदर 1 लाख लोगों के रैंडम टेस्ट कराएंगे। अब वो कहते हैं कि नहीं, दिल्ली में हम टेस्टिंग बंद कर रहे हैं। पहले वो ये कहते थे कि हमारे पास 30,000 बेड्स तैयार हैं, यदि कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ेगी तो हमारे पास पर्याप्त बेड्स हैं। अब वो दिल्ली के लोगों से कह रहे हैं कि आप कोरोना से यदि आप पीड़ित हैं तो आप अपने घर में रह के इलाज कर सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति के पास 2 कमरे का मकान है, क्या वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग संभव है? क्या वहाँ कोई डॉक्टर नर्सिंग वहाँ पे केजरीवाल सरकार की ओर से आएंगे? तो घर में जो भी कोरोना के पेशेंट्स हैं वो अपने अगल बगल और उनके रिश्तेदार उनको मिलने आ रहे हैं, उससे इस बीमारी को और बढ़ावा मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल रोज नया नया समूह का छोड़ते हैं, कभी वो कहते हैं बॉर्डर सील करो, कभी कहते हैं वो टेस्टिंग बंद करो, कभी वो कहते हैं कि बाहर से जो लोग दिल्ली में इलाज के लिए आएंगे हम उनको अनुमति नहीं देंगे। अभी तक दिल्ली में जो 26,000-27,000 जो कोरोना के पेशेंट हैं, ये सब लोग दिल्ली से ही है, इनमें बाहर से कहीं का भी नहीं है। बिहार जन संवाद रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार की उपलब्धियों और बिहार सरकार के कामों से जनता को अवगत कराया। अपने संबोधन के दौरान अमित शाह ने विपक्ष को हर मुद्दे पर घेरा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आत्मनिर्भर भारत की लक्ष्य प्राप्ति हेतु संकल्प लेता हूं कि मैं भारत के संविधान द्वारा निर्देशित नागरिक कर्तव्यों का पालन करूंगा। मैं राष्ट्रीय एकता की भावना, लोकतंत्र के मूल्यों
तंत्र के मूल्यों, समता मूलक समाज के निर्माण सर्वधर्म संभाव व मूल्य आधारित राजनीति को समाज में प्रोत्साहित करूंगा। मैं देश के स्थानीय उत्पादों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए मिशन के रूप में कार्य करूंगा। यथासंभव लोकल उत्पादों को ही खरीदूंगा। मैं कोविड की महामारी से लड़ने के लिए सामाजिक जागरूकता, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ाऊंगा। भारत माता की। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पुलिस की मिलीभगत से दबंग बेधड़क अवैध खनन कर रहे हैं, जिसको लेकर शिकायत की गई है, लेकिन प्रशासन अनजान बनी हुई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सरकार सेवा कार्य नहीं कर रही है और ऑफिस बंद करके बैठी है, और जब कांग्रेस सेवा कर रही है तो धमकी दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में कांग्रेस की महारसोई में 3000 भोजन पैकेट वितरित किए गए। हरदोई में अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी का विरोध भी किया गया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में दिन दहाड़े स्कूटी से दवा लाने जा रही युवती से छेड़छाड़ की गई, जिससे युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल युवती खुद अपनी आपबीती सुना रही है। कहाँ हुआ, क्या हुआ तो बताओगे क्या? कुछ नहीं कर रहा, उन्होंने एक मेरी पहले पीछे से खो देना था, नहीं हुआ हमारा कहा लगे कहा लगे हम कभी के लगा था लेकिन पीछे वहाँ से चिड़ा था जो हुआ तो डाके से एक गई तो एक ही नहीं आया तो मैं फोटो एक खींच देना सब से बस गई नहीं। झारखंड के गिरिडीह के कस्बे और गांव में बच्चे घर में ही ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इस लॉकडाउन में बच्चों को पढ़ते देख अभिभावक और गांव वाले काफी खुश हैं। कोरोना काल में स्कूलों में ताले लटके रहने के कारण आजकल ऑनलाइन शिक्षा परवान चढ़ रहा है। स्कूल जहां अपने स्तर पर डिजिटल क्लास चला रहे हैं, वहीं गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना के उत्क्रमित मध्य विद्यालय छोटकी खरगडीहा के प्रधानाध्यापक उमाशंकर राम अपने लेवल पर मोबाइल के माध्यम से बच्चों में ऑनलाइन शिक्षा का अलख जगा रहे हैं। वो इस काम के लिए ग्रामीणों से संपर्क कर बच्चों को कुछ समय के लिए मोबाइल देने की अपील करते हैं और मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शुरू होती है बच्चों की घर बैठी क्लास। हम लोग लगातार डीजी साथ कार्यक्रम के तहत बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई दे रहे हैं। शिक्षक उमाशंकर राम का प्रयास इलाके में रंग लाने लगा है और इस गांव में गांव के मुखिया महेंद्र प्रसाद वर्मा भी उनका साथ दे रहे हैं। इसमें काफी बच्चे लोग प्रत्येक दिन मोबाइल के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। इधर घर में बैठे बोर हो चुके बच्चों में भी ऑनलाइन शिक्षा की ललक दिख रही है और वो भी पढ़ाई में जुट गए हैं। बहुत अच्छा से पढ़ाई करते हैं क्योंकि पहले से परेशानी थी, पहले नहीं पढ़ाई कर पाते थे। शिक्षक उमाशंकर राम के प्रयास की गांव वाले भी कायल हो गए हैं। गांव के एक व्यक्ति अजीत शर्मा का कहना है कि कोरोना के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित थी, लेकिन अब बच्चे फिर से पढ़ाई लिखाई में मन लगा रहे हैं। हमारे सर जो है सब ऑनलाइन पढ़ाई शुरू किए हैं और अच्छे से पढ़ाई शुरू हो रहा है। एक बात तो सत्य है कि हमें सरकारी स्कूलों के खिलाफ हर रोज कुछ न कुछ पढ़ने सुनने को मिलता है, लेकिन वो अंतिम सत्य हो यह जरूरी नहीं है। शिक्षक उमाशंकर राम को देखकर लगता है कि जिम्मेदारियों का एहसास व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। सबको गलत कहना गलत ही होगा। कोरोना काल में लोगों के जीवन शैली ही बदल दी है। हम आपको ले चल रहे हैं दुबई, जहां लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नजारे का मजा ले रहे हैं, जहां सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम है। भाजपा के उपाध्यक्ष श्याम जाजू ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अवैध रोहिंग्या को बिजली और पानी राशन देकर बसाने का कांड किया है। वहीं हिंदू शरणार्थियों को उजाड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिसे हम सफल नहीं होने देंगे। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन विधेयक पारित कर हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने का निर्णय किया है। दिल्ली में चित्र दूसरा है। दिल्ली की सरकार एक तरफ मुफ्त बिजली पानी की घोषणा कर रही है, अवैध तरीके से आए हुए रोहिंग्या घुसखोरों को सरकारी जमीन पर पनाह देकर उनको बिजली पानी राशन मुहैया किया जा रहा है, और दूसरी तरफ जहां हिंदू शरणार्थी कैंप रह रहे हैं, ऐसा आदर्श नगर हो, मजनू का टीला हो या सिग्नेचर ब्रिज हो, तीनों जगह पे नागरिक अंधेरे में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनको पानी की सप्लाई नहीं दी जा रही है,
उनको बिजली उनकी काटी जा रही है और आज वो अन्याय में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपने फंडामेंटल राइट के लिए लड़ रहे हैं। ना बिजली है ना पानी है, केवल परेशानी है। ये थी 10 शहरों की 10 बड़ी खबर।